गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट हिंदी। आज से हिंदी की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 1 है आपका सही गलत। वर्कशीट नंबर 1 में आपका सही गलत है। चलिए देखिए, कवि ने जवानों को हिम्मत तलवार के समान बताया है। फिर से देखिए इसको, कवि ने जवानों को हिम्मत तलवार के समान बताया है, सही। दूसरा, अभिमान जगह है में अभिमान का अर्थ गौरव है, सही। तीसरा, सुप्रिया की सहेलियों की रुचि खेल कूद में थी, सही। चौथा, चेतक संग्राम सिंह का घोड़ा था, ये गलत है। पांचवा, बापू ने अछूतों का बहिष्कार किया, गलत। छठवा देखिए, बीना के घायल होने पर उसकी मरहम पट्टी सुप्रिया ने की, सही। अगला सातवां, बापू मरकर भी देश के कण कण में हैं, सही। आठवां, मोहन की माँ ने उसके पिता का नाम परमात्मा बताया, सही। नौवां, कभी कभी चेतक दो पैरों में खड़ा हो जाता था, सही। और लास्ट आपके, मोहन के घर 100 रुपये परमात्मा ने भेजे, ये गलत है। ओके, तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 1 है। चलिए इसको फिर से हम दोहराते हैं। क्लास फिफ्थ, वर्कशीट नंबर 1 में आपका सही गलत है। चलिए देखिए, पहला, कवि ने जवानों को हिम्मत तलवार के समान बताया है, सही है। दूसरा, अभिमान जगह है में अभिमान का अर्थ गौरव है, सही। तीसरा, सुप्रिया की सहेलियों की रुचि खेलकूद में थी, सही। चौथा, चेतक संग्राम सिंह का घोड़ा था, गलत। पांचवा, बापू ने अछूतों का बहिष्कार किया, गलत। छठवा, बीना के घायल होने पर उसकी मरहम पट्टी सुप्रिया ने की, सही। सातवा, बापू मरकर भी देश के कणकण में है, सही। आठवा, मोहन की माँ ने उसके पिता का नाम परमात्मा बताया, सही। नौवा, कभी कभी चेतक दो पैरों में खड़ा हो जाता था, ये सही है। और लास्ट है, मोहन के घर 100 रुपये परमात्मा ने भेजे, ये गलत है। जो आपकी ये 1 वर्कशीट थी, सही गलत, ये आप अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। अगली क्लास में हम वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। ओके।